हैं फोन लाइन पर। शहजाद, इससे तो कोई भी मतभेद किसी का भी सामने नहीं आ सकता, कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है और उसके लिए पहल की है कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी पीएम को क्रेडिट देना नहीं चाहती। लेकिन अब तो देखिए क्या किरकिरी हुई है कि खुद उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर से सवाल उठ खड़े हुए। देखिए, संकीर्ण मानसिकता से कोई बड़ा नहीं हो सकता। आज जो शशि थरूर जी ने ट्वीट किया है अपने ही कांग्रेस पार्टी को और उनको एक तरीके से आईना दिखाया है, आज ये हकीकत है कि 9 वर्ष पहले आज ही की दिनांक पर, आज ही की तिथि पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की वजह से, भारत के प्रयासों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कायम किया गया और आज 9 साल बाद प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को योग के पूरे इस कार्यक्रम में लीड करेंगे भारत की ओर से, उसी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर से। तो मुझे लगता है ये तो गौरवान्वित करने वाली बात है, परंतु कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार की भक्ति में इस प्रकार से लीन है कि देश का गौरव बढ़ाने वाले किसी भी क्षण को वो स्वीकार नहीं सकती अगर वो परिवार से जुड़ा हुआ ना हो। इसीलिए आज पहली बार प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री 2 बार यूएस कांग्रेस का संबोधन करेंगे। क्या कांग्रेस की तरफ से एक भी शब्द आया है? आज जब भारत के इकोनॉमी के विषय में आईएमएफ ने रिपोर्ट दी कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ब्लैक स्पॉट बताने की कोशिश की ब्राइट स्पॉट को। तो मुझे लगता है परिवार भक्ति में जो लीन है आज उनको आईना शशि थरूर ने दिखाया है। पर मैं आपको एक बात बोल दूं, अब शशि थरूर पर क्या कार्रवाई होगी इसको भी टाइम्स डाउन ऑफ भारत जरा ट्रैक करे। पता नहीं कब तक वो सांसद बने रहेंगे, हो सकता है कांग्रेस की गाज गिरे उनपे। शहजाद, कांग्रेस अक्सर बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही है कि हमेशा से ही जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, उनके कार्यकाल को सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता रहा है और हमेशा यही कहता है कि उस वक्त गलती हुई, उस वक्त गलती हुई। और यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांग्रेस ने खुद वही गलती की है, खुद वही काम करते हैं जिसके लिए बीजेपी को वो कटघरे में खड़ा करते हैं। नहीं, देखिए कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा अंतर है। बीजेपी वो पार्टी है जिसने तमाम प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्रियों के लिए संग्रहालय बनाया। कांग्रेस वो पार्टी है जो केवल एक परिवार के लिए संग्रहालय बनाती थी, नेहरू मेमोरियल, इंदिरा मेमोरियल। और उनका जो ट्वीट है आज, वो कहते हैं कि ये नेहरू जी की बड़ी उपलब्धियां रही योगा के विषय में। आपने कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को 21 जून को योग करते हुए देखा है या योग को प्रसारित प्रचारित करते हुए देखा है? नहीं। अगर ये नेहरू जी की ही देन उपलब्धि थी तो आप करते ना, आज आप भी जुड़ जाते, आज आप ऑफर देते। जी शुक्रिया आपका शहजाद इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए बीजेपी का यही कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर ऐसा करती है क्योंकि कांग्रेस को यह पसंद नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी चीज का क्रेडिट मिले, भले ही पूरी दुनिया उनकी तारीफ करे।